पूरे खातिर पंख खुलाया आकाश चाह रे भौजी शेर जैसन नेता ओम पर काश चाह रे भौजी शेर जैसन नेता ओम पर काश चाह रे सैया बहराइच के हो ओ बहराइच के जिला घुमाय देता शार देता ना। इसके बाद मेरा बोल है कि धनिया बहराइच के हो धनिया बहराइच के जिला मसूर बाटे राजो जरूर बाटे राइटर विजय शिवचरण चरण राजभर जी जो समाज को जोड़ने के लिए अपने गीतों के माध्यम से समाज को जोड़ना चाहते हैं आज एक बेहतरीन गाना इनके इनका लिखा हुआ गाना श्री कृष्णा राजभर जी ने गाया नमस्कार दोस्तों राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तय दिल से स्वागत है इस समय माँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो राम मंदिर में है और यहाँ पे सामाजिक गीत के साथ साथ आज मारजा महारजा और राजभर जी के ऊपर भी गीत गाया आ, सिंगर श्री कृष्णा राजभर और राइटर हैं विजय विजय राजभर जी हैं साथ में राधा राधा राजभर जी जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है इन्हें भी आज मौका दिया गाने के लिए श्री कृष्णा राजभर जी ने और राजभर एक्सप्रेस और अक्की फिल्म एंटरटेनमेंट का एक ही लक्ष्य है जिसके पास जिनके पास टैलेंट है अगर आपके टैलेंट है तो हम मौका देने के लिए तैयार है आइए पाइए जैसे सभी को मौका दिया जाता है वैसे आपको भी मौका दिया जाएगा जाने के सबसे पहले राधा जी से जाने के आज पहला दिन इन्होंने स्टूडियो में आके गाना गाया कैसा लगा आज का गाना गा के महाराजा राजबाजी पे बहुत अच्छा लगा भैया सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्ते प्रणाम करती हूँ आपके चैनल पर जितने भी दर्शक देख रहे हैं भैया के चैनल का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और साथ साथ में मेरे चैनल का भी सपोर्ट कीजिए आपके चैनल का नाम बता दीजिए राधा राजभर है मेरे चैनल का नाम आप YouTube पे गाना गाती हैं आज कृष्णा के माध्यम से आपको यहाँ स्टूडियो गा, में गाने का मौका मिला घर पे गाना और यहाँ पे गाना कितना फर्क है बहुत ज्यादा फर्क है बहुत अच्छा लगा यहाँ पर स्टूडियो में आकर बहुत अच्छा लगा गाना गाकर राधा जी के हस्बैंड जी है जो अपनी वाइफ को हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। हर चीज़ में और सपोर्ट होना चाहिए क्या कहेंगे आज आप घर पे गवाते थे आज स्टूडियो में गा रहे हैं कितना कैसा महसूस हो रहा है आप बहुत अच्छा लग रहा है <laughs> क्योंकि अभी घर पे गाना स्टूडियो में गाना बहुत अच्छा है मतलब बहुत तो इधर इस घर से तो इधर स्टूडियो में बहुत अच्छा लग रहा है मैं सोच रहा हूँ कि हमेशा ऐसा स्टूडियो में गाए सिर्फ जरूर मौका मिलता रहेगा कृष्णा राजभर श्री कृष्णा राजभर जी हैं जो सामाजिक गीत गाते हैं समाज के लिए हमेशा आगे बढ़ाने के लिए गीते गाते रहते हैं जानना चाहें कृष्णा राजभर जी आखिर मकसद क्या है आपको समाज को लेके सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है सबसे पहले राजभर प्रेस चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और अखिलेश भैया आपको जो आज पूरे समाज में सबसे ज़्यादा अगर कोई नाम होता है तो राजभर प्रेस चैनल का नाम लेते हैं लोग और उसके बाद श्री कृष्णा राजभर को लोग धीरे धीरे पहचान रहे हैं तो राजभर प्रेस चैनल का देन है आपके अंदर टैलेंट है इसलिए आपको सब लोग पहचान रहे हैं हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा जो गीत आज पहली बार राधा जी ने दोनों जन एक, थोड़ा सा वो बोल गा के बताइए आज पहली बार हमारे साथ गाने के लिए आजमगढ़ के धरती से राधा राजभर जी और हमारा गाना सुन करके के इतना खुश होती थी कि आज जो वीडियो में देखती थी मोबाइल में यूट्यूब पर आज साथ में गाना हमारे गाए बहुत खुशी हो रहा देख के और इनके साथ गाना गा के हम हम भी चाहेंगे दो बोल वो गाने जो आपने गाए हैं आज जो रिकॉर्डिंग हुआ है मैं ज़्यादा कुछ नहीं सुनाऊंगा लेकिन थोड़ा सा सुनाऊंगा इनका बोल था उ, उनका बोल वही बोलेंगे आप बोलिए मेरा है सैया बहराइच के हो सैया बहराइच के जिला घुमाए देता सारा धा पूरा देता ना आपका इसके बाद मेरा बोल है धनिया बहराइच के हो धनिया बहराइच के जिला मसहूर बाटे राजकहनो जरूर बाटे ना राइटर विजय शिवचरण चरण राजभर जी जो समाज को जोड़ने के लिए अपने गीतों के माध्यम से समाज को जोड़ना चाहते हैं आज एक बेहतरीन गाना इनके इनका लिखा हुआ गाना श्री कृष्णा राजभर जी ने गाया बहुत अच्छा लगा कि एक समाज को जोड़ने की कड़ी में शिव जी अपने गीत के माध्यम से समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जानना चाहेंगे कैसे ऐसे दिमाग में आए कि हमें समाज को जोड़ना है सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है पहले तो राजभर एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राजभर एक्सप्रेस ने हम लोग को भी बहुत तरक्की पे ले जाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है और हमें इस जगह पे लाने के लिए ऐसा और कृष्णा भाई का जो गाना है और जो गाना गाने गाते हैं उनकी आवाज़ भी बुलंद है और चाहते हैं कि कृष्णा भाई से भी गाना गाते हैं और कोई भी रहता है उनसे भी गाना गाते हैं बट हमारे समाज के हैं तो इसलिए चाहते हैं कि कुछ नहीं समाज की बात होती गाने की तो मैं गाना बहुत सारे ऐसे लिखा जो अपने समाज के लेकर कर गए लेकिन ये जो गाना आया तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि ओम प्रकाश राजवेश जैसे हैं गरीबों के लिए मसीहा बन जाते हैं और जो हमारे समाज के समाज सेवक है वो भी मसीहा बन के खड़े हो जाते हैं हमारे लिए तो समाज में जैसे हमारे समाज सेवक डॉक्टर पंचम राजभर जी है एम बी राजभर जी है राजगुरु श्री प्रकाश राज राजगुरु जी है और हमारे संगठन के राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अनिल राजभर जी हैं और बहुत साथी हैं ऐसे हैं ना जो अपने समाज के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो मेरा कोशिश ऐसा है कि हम लोग जो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं ना हम लोग एक मंच पर एक साथ में होकर के काम करें जिससे हमारी मजबूती आए इसके न दिमाग में आया तो मैंने कहा कि ये गाना लिखता हूँ देखता हूँ कैसा होता तो भगवान की दया से आज जो गाना रिकॉर्डिंग हुआ कैसा तो, लगा आज गाना रिकॉर्ड आपने लिखा और सुनने में कितना अच्छा लगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब गाना मैं लिखा हो तो मुझे हकीकत तो है कि गाना एकदम तो बेस्ट होगा और इसके वजह से मैं सोचा कि मैं कृष्णा जी से गाना गाऊँगा और ये चीज हुआ और आपका ऊपर वाले की दुआ है कि आप भी उस दिन आ गए इसलिए बहुत 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 हम जानना चाहेंगे कि कृष्णा राजभ जी से आपने गाना गाया दो बोल उसके भी आखिर क्या कहना चाहते हैं विजय शिव चरण राजभर जी गाने के माध्यम से विजय शिव चरण राजभर जी आज जो हमको मौका दिए अपना गाना गाने के लिए इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज लोग हमारा गाना सुन करके इतना खुश होते हैं और उन लोगों को खुश होते ही हमें भी ऊर्जा जागती है और खुशी होता है जोश बढ़ जाता है कि और चाँप के गाएंगे कि लोगों के कानों तक गुजर जा के हम चाहेंगे ये दो बोल जो राइटर विजय शिवचरण जी ने आपको लिख के दिया आ, उसमें एक ननद अपने भौजाई से बताती है कि हमारे समाज में आ, एक नेता ऐसे हैं ओम प्रकाश राजभर जी कि उनके जैसा नेता सबको बनना चाहिए तो इनके गीत का बोल था पहला अरे उड़े खाती पंख खुलाया चाहिए भाजी उड़े खातिर पंख खुलाया आकाश चा रे भाऊजी शेर जैसन नेता ओम पर काश चाही रे भाऊ शेर जैसन नेता ओम पर काश चाही रे भाऊ जी गीत में प्रयास किया हूँ कि खूब दमदारी से लोगों के बीच ये गाना और पसंद आए चलिए तो यह गाना जो भी जितने गाने यहाँ पे आज रिकॉर्ड हुए श्री कृष्णा के अक्की राज फिल्म एंटरटेनमेंट में आने वाले हैं बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे सामाजिक गीतें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन्हें इनके गानों को इनको सपोर्ट की जरूरत है कृष्णा जी को सपोर्ट की ज़रूरत है विजय शिवचरण जी को सपोर्ट है खास करके राधा जी को भी आप लोग सपोर्ट करिए क्योंकि एक हौसला है जो घर पे बैठ के गाते हैं स्टूडियो में आए हैं हम चाहते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगनी जितने भी लोग हैं यहाँ अपने सपनों तक पहुंचे मिलते किसी अगली वीडियो में जय हिंद जय जाए भारत